नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनवेश। आप देख रहे हैं पीएचपी प्रोजेक्ट और आइए स्टार्ट करते हैं अपना वर्क। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किया था अपने व्यू प्रोडक्ट पे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले की थी। और यहाँ पे यहाँ भी हमें दो ऑप्शन पे वर्क करना है, पहला है डिलीट और दूसरा है एडिट। तो आइए चलते हैं और वर्क करते हैं डिलीट प्रोडक्ट पे। तो डिलीट प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब भी कोई होवर कर रहा है, क्लिक करेगा, तो डिलीट प्रोडक्ट जो है हमारा वो रन होगा और प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, और कोड एडिटर पे जाने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये रहा, ठीक है, ईकॉम एंड देन ये एडमिन एरिया, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल ठीक है। तो व्यू प्रोडक्ट पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई क्लिक करता है, हमने क्या असाइन कर रखा है, डिलीट प्रोडक्ट। तो ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल जाएगा कहाँ पे, आपके यूआरएल में। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा, जैसे मान लो डिलीट पे क्लिक करता है, तो ये देखो डिलीट प्रोडक्ट इक्वल 5, ये हो लेकर गया है यूआरएल में। तो हम यहीं पकड़ लेते हैं कि भाई अगर यूआरएल में तुम्हें डिलीट प्रोडक्ट दिखे वेरिएबल तो क्या करना है। तो इसकी डेफिनेशन हमें देनी है कहाँ पे, इंडेक्स में। जैसे सारी चीज़ें ये इंक्लूड हो रही हैं ना, ऐसे ही हमें एक यहाँ से मान लो इसको मैं एक बार नीचे कॉपी कर देता हूँ, और ऐसे ही एक बना लो कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो। अगर ऐसा हो मींस अगर डिलीट प्रोडक्ट आपको दिख रहा हो यूआरएल में, तो क्या करो, डिलीट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी नाम की जो फाइल है हमारे पास, उस फाइल को उठा के इंक्लूड कर दो और तुरंत डिलीट कर को, पेज को जो है ना खट से वो रिफ्रेश कर दे कि कहीं कोई उसमें समस्या ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल एन और लिखते हैं डिलीट प्रोडक्ट के लिए एक हमें फाइल बनानी है, delete product.php की। तो delete product.php की, ठीक है ना। तो इसको हम कंट्रोल यस करके सेव करते हैं, और ये कहाँ पे सेव होना है, हमारे ईकॉम में एडमिन एरिया के अंदर यहीं पे delete product.php के नाम से सेव हो जाना है, ठीक है ना। तो ये हो गई सेव delete product.php के नाम से। अब इसमें जो लिखना है वो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है टेक्स्ट एडिटर पे, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखिए होना क्या है कि सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से PHP हमने स्टार्ट की और यहाँ से कहा कि अगर भाई सेशन एक्टिवेट है तब आगे बढ़ाओ, वरना फिर इसको रिडायरेक्ट कर दो लॉगिन पर, यानी कोई डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए हमारे डिलीट प्रोडक्ट वाले पेज को। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें की, जैसे सब में हम करते आए हैं अभी तक। और यहाँ पर क्या किया इसके बाद, इसके बाद कहा कि भाई इफ़ इज सेट $_ गेट डिलीट प्रोडक्ट, यानी अगर तुमको URL में यहाँ पे ये वेरिएबल दिखे डिलीट प्रोडक्ट का तो क्या करना है। तो फिर ये करना है कि एक डिलीट आईडी हमने बनाई, वहाँ पे क्या लिया, ये प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट ले लिया। डिलीट प्रोडक्ट में वैल्यू जैसे यहाँ पे 5 आ रही है ना, तो ये 5 वैल्यू हमने क्या की इस आईडी में भेज दी, ठीक है। ये भेजने के बाद क्या किया कि डिलीट प्रोडक्ट की एक क्वेरी चलाई और कहा कि डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू डिलीट आईडी, यानी इस आईडी के इक्वल में जो भी कुछ हो वो हो जाए। और इसको यहाँ पे सेमीकॉलन से क्लोज किया, इसको रन किया और यहाँ पर कहा MySQLi क्वेरी, यहाँ पे कनेक्शन दिया और यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट जो है वो लिख दिया। और इफ कहा कि भाई यदि ये हो जाता है, यानी ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाती है, तब फिर एको कर दो स्क्रिप्ट में अलर्ट कि वन प्रोडक्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे लिख दो कि योर वन प्रोडक्ट हैज़ डिलीटेड सक्सेसफुली, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद फिर से एक करो विंडोज डॉट ओपन में व्यू प्रोडक्ट वाली फाइल को सेल्फ में स्क्रिप्ट के साथ ओपन कर दो। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर सका हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसा कर दिया कि आपको ये समझ आ जाएगा। और मैं दिखा देता हूँ आपको फिर से नीचे तक, यहाँ तक आकर ये क्लोज हो रहा है, यहाँ पे आपकी PHP क्लोज हो रही है, यहाँ पे और भी जो सारी चीज़ें हैं, आपका ये इफ है ये क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फाइल्स सारी आपको मिल जाती हैं हमारे पैनल पे, अगर चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो मेंबरशिप ले करके, कोई दिक्कत नहीं है, या लिखना चाहो तो इसमें देख करके ये लिख सकते हो। तो इसको हमने यहाँ से किया कंट्रोल यस टू सेव, और आते हैं अपने ब्राउज़र पे, और अभी तो इसको कुछ नहीं करते, अभी हम इंडेक्स पे हैं, डैशबोर्ड पे हैं। और यहाँ से अगर मान लो मुझे व्यू प्रोडक्ट को व्यू करना है, तो ये आ गया, और इस पर अगर हम डिलीट पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, मान लीजिए ये हमारा प्रोडक्ट है और ये टी शर्ट है, ये कुछ भी है, डिलीट पर क्लिक करते हैं, तो योर वन प्रोडक्ट हैज़ डिलीटेड हो गया
और इसने हमें रिडायरेक्ट तो किया व्यू प्रोडक्ट्स पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे व्यू प्रोडक्ट लिखना था है ना, वो मैंने प्रोडक्ट्स लिख दिया, सॉरी ये व्यू प्रोडक्ट इस तरह से। तो व्यू प्रोडक्ट पे अगर इसने किया तो ये आ गया, देखिए वो डिलीट हो गया आइटम आपका। ठीक है, वो भी टी शर्ट ही था। जैसे ये अनवेश है, मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, तो ये डिलीट हुआ, तो ये रोन प्रोडक्ट डिलीट, तो देखिए अनवेश डिलीट हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमारी रन हो रही हैं परफेक्टली। अब हम जाते हैं अपने व्यू प्रोडक्ट में ही और यहाँ पे इसके नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट इस तरह से मुझे नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था ऐसे एडिट बस, और इसको कर देना चाहिए था रिफ्रेश। तो ये आपका जो है यहाँ पे जो एडिट प्रोडक्ट इस तरह से लिख कर आ रहा है, ये इस तरह से नहीं आना चाहिए ना, वो थोड़ा सा देखने में सही नहीं लगता है। एंड देन वेट फॉर नेटवर्क, ठीक है ना, तो ये एडिट आ गया, तो नो प्रॉब्लम। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ये एडिट डिलीट का काम क्या है। अब डिलीट ये प्रोडक्ट आई डी 6 लेकर जा रहा है, यहाँ से कुछ और भी अगर आपको डिलीट करना है, जैसे मान लो डिलीट करें 24x7 सपोर्ट को डिलीट करना है, तो यहाँ से इसको डिलीट किए और ये डिलीट हो गया। ठीक है, 24x7 सपोर्ट, ये सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। तो ये है हमारी फाइल, ओके, जहाँ से ये डिलीट का काम हो रहा है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या अगर आपने हमारी मेंबरशिप ली है तो आपके लिए तो अच्छा ही है, वहाँ से आप इसको जा करके डाउनलोड कर लीजिए, नो इशू। ठीक है, ये सारी होने के बाद में मैं इसको अभी अपलोड कर दूंगा। और जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, ये स्थिति जिस जैसी चल रही है हमारे यहाँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं लास्ट में ये नहीं कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कुछ ना करें, आप पढ़ें और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, बाकी आपकी मर्ज़ी, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर यू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे का जो काम है उसे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स।